नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24 और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। आज हम पहुंचे हैं जिला करनाल के गांव मुनक में, जहां आज करनाल रेंज की IG भारती अरोड़ा ने मुनक में पुलिस स्टेशन के नवनिर्मित भवन का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया एवं असंत के पूर्व विधायक बख्शी सिंह विरक भी मौजूद रहे। करनाल श्री सुरेंद्र सिंह भोरिया, XMLA सरदार बख्शीर सिंह जी, सरपंच मुनक श्री हवा सिंह जी, यहाँ उपस्थित और हमारे सभी गण्यमान्य अतिथिगण, हवा सिंह जी यहाँ उपस्थित, सभी हमारे भाई बहन, हमारे पत्रकार साथी और हमारे नए पुलिस स्टेशन मुनक के सभी मुलाजिम, DSP साहिबान, आज इस दिन आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ और आपको बधाई देती हूँ कि आपके इलाके में एक नया पुलिस स्टेशन मुनक नाम से खुला है, जो आपके हमारे सबके सहयोग से आपकी सुरक्षा के लिए, आपको सहयोग प्रदान करने के लिए और आपकी प्रगति में पात्र बनने के लिए खोला गया है। 2015 में जब मैं यहाँ करनाल SP थी, उसके बाद अब 2020 में मैं 19 के लास्ट में यहाँ पे मैंने एज IG ज्वाइन किया, तो मैं देख के हैरान रह गई जब मैंने देखा कि पुलिस स्टेशन कितने हैं अपने रेंज में। मैंने देखा तो करनाल ज़िले में 17 पुलिस स्टेशन, जब मैं यहाँ SP थी तब 10 या 11 पुलिस स्टेशन केवल हुआ करते थे, और पिछले इतने सालों में इतना ज़्यादा पुलिस स्टेशन ऐड हो गए और आज एक और इतना जल्दी एक और पुलिस स्टेशन आप लोगों को मिला है। तो ये बहुत ही एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की निशानी है कि जनता की जैसे ही आवाज़ उठी किसी काम के लिए, तुरंत उस पर समाधान हो गया। मुझे कुछ दिन पहले सरदार बख्शी सिंह जी मिले थे, ऑफिस में भी आए थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखी है, अभी कुछ साल पहले, 2 साल ही हुए शायद, इस थाने की रिक्वेस्ट थी यहाँ के पब्लिक की, और मैं हैरान हूँ कि बहुत ही जल्दी ये आप लोगों को नया थाना मिल गया है। और यहाँ के थाने के इस इलाके के मुनक के कुछ गणमान्य अतिथिगण भी मेरे पास आए थे ऑफिस में, और उन्होंने बताया, वो कितने उत्साहित थे, उन्होंने इतने उत्साह के साथ बताया कि उन्होंने ये बिल्डिंग तैयार कर दी है और उन्हें जल्दी थी कि आप जल्द से जल्द आके इस थाने को स्थापित करिए, इसका उद्घाटन करिए। तो जो उत्साह मैंने आप लोगों में देखा वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितना अच्छा आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है पब्लिक का पुलिस के साथ, ये बहुत अच्छी बात है, तो ये कमी देखने को मिलती है। तो यह उत्साह आपका बरकरार रहे, लेकिन जैसा कि SP साहब ने कहा कि देखिए, कोई नई दुकान खुलती है तो वो कहता है कि भाई आओ आओ, नए नए ग्राहक हम हमारे पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। SP साहब ने बहुत राइटली कहा है कि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे थाने में आए, लेकिन हाँ, बहुत सारी और सुविधाएँ भी ये थाना प्रोवाइड करता है, वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है, उसके लिए आप लोग, आपको अवश्य यहाँ से जल्द आपकी सुविधाएँ पूरी हों, आपको मिल जाएँ। 15 गांव इस थाने में के अंतर्गत आए हैं, तो ये अच्छी बात है कि उनको अब इतना दूर ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा अपने पुराने थानों के लिए। एक आध चंद लोग होते हैं जो बदमाश होते हैं, जिनकी वजह से गांव बदनाम हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, आपने और हमने मिल के क्या करना है, हमने मिल के, ये एक थाना नहीं, इसको आप एक मंदिर समझिए, ये एक इंसाफ का मंदिर समझिए इसको, आप इस जगह को इंसाफ का मंदिर है, प्रकृति का मंदिर है, एक निशानी है। आपने हमने मिलके समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जिससे जो एक फाउंडेशन होता है जिसकी वजह से क्राइम आगे पनपता है, बढ़ता है, उसको हमने ख़त्म करना है यहीं पे। कैसे, क्या क्या कुरीतियाँ हैं, जैसे सबसे बड़ा एक समस्या से हम सब जूझ रहे हैं आज, नशा, ड्रग्स, हमारा बहुत सारा यूथ, बहुत सारे युवा हमारे इस नशे के चंगुल में आ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही खेद की बात है, और ये हमारे भविष्य के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। जो लोग इस घिनौने काम में लगे हुए हैं, जो हमारे देश का भविष्य खराब कर रहे हैं, थोड़े से पैसे के लिए, चंद सिक्कों के लिए, नोटों के लिए, वो ये नहीं समझ रहे कि इस पूरे देश का भविष्य वो खराब कर रहे हैं, और इसका असर उन लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। हमने करनाल रेंज में एक स्कीम शुरू की हुई है, नो योर एडिक्ट्स, अपने आपके गांव में, हमने सभी SHOs की जिम्मेदारी लगाई है, उसकी जानकारी SHO साहब के पास होनी चाहिए।
डीएसपी साहब के पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि उस व्यक्ति को हम, आप और हम, हमसे मेरा मतलब है पुलिस डिपार्टमेंट और सभी व्यक्ति, सभी लोग, सभी गण्यमान्य लोग और सभी इस देश के सिटीजन्स, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो किसी तरह गलत संगत में पड़ के नशे के चंगुल में फंस गए हैं, उनको निकाला जाए, उनको विक्टिम्स की तरह ट्रीट कर, सद्भावना के साथ ट्रीट करके उनको, सिंपथी इनके साथ दिखाते हुए उनको इस चंगुल से निकालें। क्यों निकालें? क्योंकि एक तो नंबर वन, जो व्यक्ति इस चंगुल में फंस जाता है, नशे की लत में जो व्यक्ति फंस जाता है, उसका जीवन बहुत छोटा रह जाता है। उसका जीवन ज़्यादा नहीं बचता, 5 साल 10 साल, इससे ज़्यादा उसका जीवन नहीं रह जाता, वो अपनी उम्र कम कर लेता है। दूसरा कारण, उसके घर में उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, उसकी वाइफ है या बच्चे हैं, और समाज के आस पड़ोस के लोग हैं, पड़ोसी हैं, और पूरा गांव, पूरा का पूरा समाज उस एक व्यक्ति अगर कोई ड्रग्स लेता है, उससे इफ़ेक्ट होता है, उसका असर पूरे समाज के ऊपर पड़ता है। कैसे पड़ता है? एक तो वो नशा करेगा, तो नशा करने के बाद क्या होगा? आदमी को होश नहीं रहता किसी चीज़ का, नशा करने के बाद अपना, नशा करने के बाद मारपीट करेगा बच्चों के साथ, बीवी के साथ या माता पिता के साथ मारपीट करेगा, समाज के साथ मारपिटाई करेगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। एक बार लत लग गई तो ज़्यादा से ज़्यादा नशा चाहिए, वो नशे के लिए पैसा चाहिए। पैसा जब तक घर वाले दे रहे हैं ठीक है, नहीं देंगे तो घर वालों से झगड़ा होगा, जब घर में घर वाले नहीं देंगे तो घर का सामान बेचेगा, उससे भी जब काम ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? समाज में जाके चोरियाँ करेगा, डकैतियाँ डालेगा, खून तक कर देगा, मर्डर तक कर देगा। ऐसा हम रोज़ देख रहे हैं अपने समाज में। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे समाज की और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की कि ऐसे व्यक्ति जो नशे के लत में पड़ चुके हैं उनको वहाँ से बाहर निकालें। वो कोई बाहर के लोग नहीं, वो हमारे ही भाई हैं। उसके बाद उसमें वो खाना बनाया जाएगा, एक बहुत अच्छी, एक ये सभी जितने ग्रामवासी हैं उन सबके लिए काफ़ी सहूलियत रहेगी। ये जो थाने की जो सर्विसेज हैं, इनको पहले किसी को असंध जो दूर पड़ता है यहाँ से, या घरोंडा, या कईयों को निसिंग जाना पड़ता था, उनको अपने नज़दीक ही अब थाना मुनक की जो सर्विसेज हैं वो यहीं से प्राप्त हो जाएंगी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि थाने का ज़्यादा ये यूज़ करें या कंप्लेंट कम से कम हो, लेकिन जो सर्विसेज हैं, जैसे जो वेरिफिकेशन हैं उनकी, या और सर्विसेज हैं कुछ लॉस्ट फाउंड की, जो उन्होंने रिपोर्ट्स लिखवानी है, हर प्रकार से जो प्रॉपर थाना है वो आज से ही स्टार्ट हो जाए। तो आपने देखा किनारे मैडम जी, मैं तुहाडा जे धन्नवाद, और पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह और अपने एसपी सुरेंद्र बोरिया जी का धन्नवाद करन लगांगा, तो मैनू शाम हो जाएगी। जो करोना काल च एसपी साहब ने जो भूमिका लोगों नू अपनी जान तली ते तर के और लोगों के घर जाके समझाया, वो काम कोई नहीं कर सकता। करनाल प्रत्यक्ष रूप च जानी जान है और करनाल सारा इस चीज की प्रशंसा करता है, बच्चा बच्चा प्रशंसा करता है। पुलिस डिपार्टमेंट की छवि इतनी वधियानी सी मैडम जी, मैं सच्चाई एक बयान कर रहा हूं, पर जो छवि तुसी बना दीती वो अज कमामत है। मैं अपने इंचार्ज कुलदीप जी नूं आंदा, मैं यार तू घर नहीं जांदा? आंदा यार साडे एसपी साहब नहीं जांदे मैं किवें जावां? कमाल दी गल है। तो आ एक चीज है, आ जनून तुसी पैदा कीता, इहदे करके अज करनाल डिस्ट्रिक्ट तुहाडी रेणी है। जो करनाल जो पुलिस डिपार्टमेंट च जो आया है, और मैडम जी दो शब्द तुहाडे बारे, मैं जट का पुत्र हाँ, जिमीदार का पुत्र हाँ, मैनू पता है जमीन का मुल किवें हुंदा और जमीन किवें किदा की योग हुंदा है। मैडम जी जो कबूतरबाज वाला काम तुसीं रियाणे च एसआईटी दा गठन करके काम कीता है ना, वो तुहानू लगभग हर घर च सी सारी है।